नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूँ भावना शर्मा, जो आपको बताती हूँ हर रोज आपकी राशियों का हाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी पहली राशि के साथ। जानते हैं आज एरीज का दिन कैसा रहेगा। आपके लिए कार्ड निकल रहा है द जजमेंट। आज पारिवारिक मामले जो हैं उसमें थोड़ी सी नोकझोंक हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा अपनी तरफ से प्रयास कीजिए। इसी के साथ साथ आज स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी अच्छा दिन है। करना आपको क्या है, शाम के समय जो रात का समय होता है उस समय पर, जो संध्या काल जिसे हम कहते हैं, उस समय पर आपको एक ब्लैक डॉग को रोटी देनी है, उस पर सरसों का तेल लगा करके। ऐसा आप करेंगे, इससे आपकी आर्थिक स्थिति जो है वो और भी ज़्यादा मजबूत रहेगी। बात करते हैं टॉरस के लिए आज का दिन कैसा है। आपके लिए कार्ड निकलता है सेवन ऑफ सॉल्स। थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा चीज़ों की शुरुआत करते वक्त, लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। इसी के साथ साथ आज दिन की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी। आज कई सारे काम आपके ऐसे हैं जो बन जाएंगे। लव रिलेशनशिप्स के लिए भी समय बहुत ही अच्छा है। आज सुबह उठकर सूर्य को जल देना काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। एक एनर्जेटिक आप रहेंगे उससे। बात करते हैं जेमिनाइज की। आपका कार्ड निकलता है द हर्मिट। आज गुरुओं के लिए काफ़ी अच्छा दिन है। खासतौर पर आपके जो हर्मिट, जो आपके मेंटोर हैं, उनकी आप सलाह मान करके चलेंगे, उनसे कुछ एडवाइस ले करके चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आज स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। आप डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल भी मत होइए अपने एम से। इसी के साथ साथ आज माँ लक्ष्मी की उपासना करना आप लोगों के लिए अच्छा है। जानते हैं कैंसेरियंस के लिए दिन कैसा है। आपके लिए कार्ड निकलता है नाइट ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं पे बहुत समय से फाइनेंसेस को लेकर परेशान थे, तो आज वो परेशानी आपकी खत्म हो सकती है, क्योंकि आज आपने इन्वेस्टमेंट के प्लान्स भी बन रहे हैं, साथ में प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के प्लान्स भी बन रहे हैं। आज लव रिलेशनशिप्स के लिए भी समय अच्छा है। रिलेशनशिप की तरफ से आपको सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। इसके साथ साथ उपाय आप ये कर सकते हैं कि सुबह उठ करके एक तो आप सूर्य को जल देंगे, साथ में भगवान शिव की उपासना करना आपके लिए ज़रूरी है। बात करते हैं लियोस की। आपके लिए कार्ड निकलता है सेवन ऑफ वॉन्स। आपके लिए कार्ड रहे कि थोड़ा सा आपको डिसीजन लेते वक्त आज थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। इसी के साथ साथ डील्स फाइनलाइज करते वक्त भी केयरफुल रहना पड़ेगा। पार्टनरशिप पे काम करना अच्छा है, लेकिन किसी पर भी बहुत ज़्यादा भरोसा करना अच्छा नहीं है। उपाय आप ये कर सकते हैं कि आज शाम के समय कहीं पे बाहर नहीं निकलना है, और अगर कहीं जाना भी पड़ता है तो राहु काल का ध्यान रखें। तो बात करते हैं वर्गोस की। आपके लिए कार्ड निकल रहा है एट ऑफ पेंटाकल्स। थोड़ा सा आज के दिन में फिजूल खर्ची से आप लोग बचेंगे। इसी के साथ साथ पारिवारिक मामले जो हैं उसको किसी बाहर वाले के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्क्लोज ना करें, इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखें। उपाय आप ये कर सकते हैं कि आज भगवान विष्णु सहस्र, भगवान विष्णु की उपासना आपको करनी है, और विष्णु सहस्र नाम का पाठ आपको करना है। बात करते हैं लीब्रंस की। आप लोगों के लिए कार्ड निकल रहा है द स्टार। आज के दिन में आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है। कोई भी काम आपको करेंगे हर चीज़ से सेटिस्फाई रहेंगे। साथ ही साथ में रिलेशनशिप्स की बात करें तो आज शाम का जो समय है उसको अवॉइड कीजिए किसी भी नए रिलेशनशिप की शुरुआत करने के लिए। उपाय आप ये कर सकते हैं आज लक्ष्मी चालीसा पाठ करना शाम को 4 बजे के बाद बहुत ही अच्छा रहेगा। तो अब बात करते हैं स्कॉर्पियोज की। आप लोगों के लिए कार्ड निकल रहा है किंग ऑफ कप्स। आज का दिन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खास है। किसी भी नए काम की शुरुआत करना अच्छा रहेगा। इसी के साथ साथ काफ़ी अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिल सकती हैं। थोड़ा सा आप इस बात का ध्यान रखें कि आज कोई भी काम की आप शुरुआत करते हैं तो उसमें किसी का उधार बिल्कुल भी ना लें। इसी के साथ उपाय आपको ये करना है, विष्णु भगवान की उपासना करनी है। विष्णु सहस्र नाम का पाठ भी अगर आप करते हैं तो अच्छा है। बात करते हैं सजिटेरियंस के। आपके लिए कार्ड निकल रहा है फोर ऑफ कप्स। स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है चीज़ों को लेकर के। इसी के साथ आज अपने स्पाउस के साथ, अपने जीवन साथी के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ सकता है। बाहर शॉपिंग पे जाएंगे तो अच्छा रहेगा। आज शाम का जो समय है आपका बहुत ही खास रहने वाला है, यानी कि दोपहर के 4 बजे के बाद का समय अच्छा रहेगा। उससे पहले किसी भी काम की शुरुआत करने का अवॉइड कीजिए। जानते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए आज का दिन कैसा है। आपके लिए कार्ड निकलता है एस ऑफ कप्स, यानी कि आज रिश्तों में नई शुरुआत हो सकती है, किसी लव रिलेशनशिप की नई शुरुआत हो सकती है। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी अच्छा समय है। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें आज बहुत ज़्यादा फोकस और डेडिकेटेड रहेंगे अपने काम के लिए। अब बात करते हैं उपाय की। तो आज रेड कलर का पेन अगर आप अपने साथ रखते हैं, अगर लिखने में रेड कलर के पेन का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जानते हैं एक्वेरियंस के बारे में। आपके लिए कार्ड निकल रहा है द स्ट्रेंथ। आज बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथफुल होकर आपको चलने की ज़रूरत है, क्योंकि आज आपका ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लोगों को काफ़ी ज़्यादा आप अट्रैक्ट करेंगे, उनको हो सकता है आपकी हर जगह प्रोत्साहन हो। इसी के साथ साथ आज आप वर्क प्लेस पर आप काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिल सकती हैं। उपाय आप ये कर सकते हैं कि शाम के समय आपको किसी भी निजी
पर्सन को कोई क्लॉथिंग से रिलेटेड यानी कि कोई कपड़े से रिलेटेड अगर आप दान करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और बात करते हैं पाइसेंस की, आप लोगों के लिए कार्ड निकल रहा है 8 of Cups। आज किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से बचने का समय है। आज के दिन में लव रिलेशनशिप्स में आप थोड़ा सा इनिशिएटिव लेंगे तो चीज़ें और भी ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। पेरेंट्स की सलाह लेकर चलना आज बेहतर रहेगा। इसी के साथ उपाय आपको ये कर सकते हैं, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना और लक्ष्मी स्त्रोत का पाठ करना आज आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये तो बात हुई 12 राशियों की, और आपने जाना कि क्या उपाय आप कर सकते हैं अपने दिन को और भी खास बनाने के लिए। अभी वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का, इजाजत लेने का। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।